के सांसद का भी कार्यकाल 5 साल है, लेकिन सांसद का कार्यकाल जनता के काम करने के लिए है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए है, जनता का सेवा करने के लिए है, दूसरे को धमकी देने के लिए नहीं है। और अगर सांसद होकर आप किसी को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो चाहे विधायक हो या कार्यकर्ता हो या सामान्य पब्लिक हो, तो ये आपके संस्कार को दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है, ये दिखाता है कि आप सांसद कम बाहुबली ज़्यादा हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। अभी तो बिहार में मुफ्तखोरी की, नेताओं को जो मुफ्तखोरी की आदत है, जहाँ भाजपा का डर दिखाकर लालू जी और लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वाले वोट लेते रहे, जो मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई थी, क्योंकि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था, पहली बार जनता को अपना एक तीसरा विकल्प मिल गया है, तो इनकी मुफ्तखोरी खत्म होने वाली है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। अगर जनता ये चाहती है कि हर जगह भ्रष्टाचार चलता रहे, नीतीश का राज चलता रहे, आप एनडीए को वोट दे दीजिए। अगर आप जनता चाहती है कि लालू जी का फिर से अपराधा जंगल राज वापस आ जाए, तो उनको वोट दे दीजिए। साल के लिए ही चुनकर आता है, रामगढ़ के सांसद कोई विशेष चुनकर नहीं आए हैं, सभी सांसदों का कार्यकाल 5 साल है, रामगढ़ के सांसद का भी कार्यकाल 5 साल है, लेकिन सांसद का कार्यकाल जनता के काम करने के लिए है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए है, जनता का सेवा करने के लिए है, दूसरे को धमकी देने के लिए नहीं है। और अगर सांसद होकर आप किसी को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो चाहे विधायक हो या कार्यकर्ता हो या सामान्य पब्लिक हो, तो ये आपके संस्कार को दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है, ये दिखाता है कि आप सांसद कम बाहुबली ज़्यादा है। सर भाई, किसको कितना वोट आएगा, आप तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। अभी तो बिहार में मुफ्तखोरी की, नेताओं को जो मुफ्तखोरी की आदत है, जहाँ भाजपा का डर दिखाकर लालू जी और लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वाले वोट लेते रहे, जो मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई थी, क्योंकि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था, पहली बार जनता को अपना एक तीसरा विकल्प मिल गया है, तो इनकी मुफ्तखोरी खत्म होने वाली है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। सर एक चमत्कार जनसुराज को नहीं करना है, चमत्कार यहाँ की जनता को करना है। अगर जनता को अपनी स्थिति से जनता खुश है, अगर बिहार में जो अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है, जनता उसको चाहती है, अगर जनता ये चाहती है कि भूमि सर्वे होता रहे, आपके ज़मीन का मालिकाना हक, आपके घर घर में जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हो, अगर जनता ये चाहती है कि हर जगह भ्रष्टाचार चलता रहे, नीतीश का राज चलता रहे, आप एनडीए को वोट दे दीजिए। अगर आप जनता चाहती है कि लालू जी का फिर से अपराधा जंगल राज वापस आ जाए, तो उनको वोट दे दीजिए। अगर वो दोनों से मुक्ति चाहते हैं, तो जनता का राज बनाना है, आप लालू का राज बनाकर देख लिए, नीतीश मोदी का राज बनाकर देख लिए, आपका जीवन नहीं सुधरा। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, घर घर से लोग बाहर पलायन करके गए हैं मजदूरी के लिए, किसी को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कहीं रोजी रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए दवा डॉक्टर नहीं है, इन सब से अगर लोग उबे हुए हैं, परेशान हैं, तो अब लोगों की जिम्मेवारी है कि वो तीसरा विकल्प खोजें। अगर इन सबके बावजूद फिर जाकर उसी को वोट देंगे, तो जैसे उनकी जिंदगी चल रही है वैसे आगे चलती रहेगी। भाई ऐसा है, हम रणनीतिकार हैं या थे तो क्या करते, नेताओं को दलों को जाकर सलाह देते थे, करना तो दलों और नेताओं को ही था, उसी तरीके से आज जाकर जनता को सलाह दे रहे हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, हमने तो नहीं कहा कि किसको वोट दीजिए, हमने उनको सलाह दिया कि भाई तुमने जिस चीज़ के लिए वोट दिया है, अगर तुमने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज तुमको मिल रहा है, तुमने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, तुमने बिजली के लिए वोट दिया बिजली आई।